This conference will now be recorded. जी अच्छा, अगर बाइस इस तरह से आप आ रही थी और इस तरह zigzag करके एक बैलेंस एरिया बाइस एक्सेट के अंदर हमें मिल जाता है, ठीक है, तो पीओसी जो है वो ये लाजमी नहीं है कि इसी बैलेंस एरिया के अंदर होगा, ठीक है, वो हो सकता है यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे, या ये भी हो सकता है कि उस दिन के अंदर दो बैलेंस एरिया बने हुए, ठीक है, उस दिन के अंदर दो बैलेंस एरिया बने हुए और पीओसी जो है वो नीचे वाले बैलेंस एरिया में हो गई, तो इसलिए बैलेंस एरिया और पीओसी दोनों में फर्क होता है। ऐसा नहीं है कि हर पीओसी जो है वो एक बैलेंस एरिया है। हर बार आप समझते हैं बैलेंस एरिया क्या होता है? जी सर, बिल्कुल सर। जहाँ पर 70% ट्रेड हुई हो, मतलब ट्रांजैक्शन हुई हो। नहीं नहीं नहीं, बैलेंस एरिया कहते हैं जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इन दोनों की फोर्सेस बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। फर्ज करें कि प्राइस एक साइड पर ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, और किसी किसी भी जगह पहुंच जाती है और ऐसे अच्छा, रेंज, मतलब सर के रेंज में आ जाए तो उसे हम बैलेंस एरिया कहते हैं। हाँ, ऐसे रेंज बनाना स्टार्ट कर दे, ठीक है, इसको कहते हैं बैलेंस जी। एरिया, इसको कहते हैं बैलेंस एरिया, ठीक है। रेंज, बैलेंस एरिया, इक्विलिब्रियम, ये सब एक ही चीजों के नाम है, ठीक है। पीओसी जो है वो आपको मार्केट प्रोफाइल का जो इंडिकेटर है वो आपको दिखा रहा होता है कि कहाँ पे। जी बिल्कुल। हाँ नहीं, मैं समझे आप? जी जी सर। पीओसी इज नॉट अब बैलेंस एरिया, ठीक है, बैलेंस एरिया अलग होता है, पीओसी अलग होता है। और कोई क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन? जी सर, सर वो का क्या? सॉरी भाई, चले आप कर लें, आप कर लें, चले ठीक है। सर पूछना था कि आईबी का क्या रोल होता है ट्रेडिंग में? आईबी का रोल हम आगे जाके करने वाले हैं। आईबी में एक तो ये होता है कि शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम ट्रेडर एक्टिवेट रहता है, ठीक है, और आईबी जो है उसकी पोजीशन अगर पिछले दिन के वैल्यू एरिया हाई पीओसी और वैल्यू एरिया लो अगर ये था, और आज का दिन अगर आईपी यहाँ कहीं बनता है तो हम ये कहेंगे कि मार्केट बुलिश बुलिश सेंटीमेंट है, ठीक है, ये बुलिश सेंटीमेंट में रहेगी। अगर आईपी आज का यहाँ बन जाता है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि आज का जो सेंटीमेंट है मार्केट का वो बेयरिश है, ठीक है, और अगर आईपी यहाँ कहीं बन जाता है तो हम ये कहेंगे कि मार्केट जो है वो रेंज रेंजिंग कंडीशन में रेंज जी। जी सर, ये मैंने भी नोट किया है, मार्केट प्रोफाइल इंडिकेटर लगा के चार्ट पे ना, तो मैंने जब जूम इन किया है तो उधर मार्केट प्रोफाइल मतलब एक हायर हाई बना रही होती है या रेंज में होती है या लोअर लो, तो उससे हमें ट्रेंड का पता चल रहा होता है कि यह बुलिश है कि बेरिश है। बिल्कुल, आईपी जो है ना, आईपी वो आपको दिन स्टार्ट होने से पहले ही उसकी आज के दिन में क्या होने वाला है वो आपको बता देता है, ठीक है। ठीक है सर। पिछले दिन के वैल्यू एरिया हाई, पीओसी, वैल्यू एरिया लो, इन तीनों को हमने नोट करना होता है। पिछले दिन के जो गुजरा हुआ दिन है ना उसको नोट जी, करना होता जी. है, ठीक है,
और आज का जो दिन स्टार्ट हुआ उसका पीओसन वैल्यू क्या आईबी, उसका आईबी आईबी ऊपर बन जाए, अगर ऊपर बन जाए तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो बुलिश रहेगी, और अगर इतना दूर बन जाए इस तरह का, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि एक्सट्रीम बुलिश है, एक्सट्रीम बुलिश है। और एक्सट्रीम बुलिश के अंदर ये होता है कि ये वैल्यू एरिया हाई था ना, मार्केट ऐसे ही जिगजैग करती है, वैल्यू एरिया हाई को रिटेस्ट करेगी और ऐसे ऊपर चली जाएगी, ठीक है। जी सर, सही है नहीं भाई, क्लियर हुआ? जी सर, क्लियर हो। बाकी ये डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे ना। ठीक है। अच्छा सर, वो आपने वो VSA का मैंने आपसे कहा था कि VSA, अच्छा VSA कहते हैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालाइज करने को, ठीक है। वॉल्यूम ये है जो नीचे नजर आ रहा होता है, ठीक है। जी इस स्प्रेड कहते हैं अगर ये टाइम फ्रेम M15 का था तो उस M15 की जो कैंडल है या बार है उसका हाई और उसका लो, इसके बीच में जो भी लेंथ है, जो इसकी इसकी जो लंबाई है, इसको स्प्रेड कहते हैं, ठीक है। एनालाइज, एनालाइज कहते हैं कि वॉल्यूम कम था या ज्यादा था या पिछले दो से कम था, इनको देखते हैं और बार के साइज को देखते हैं, बार के साइज को देखते हैं और इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, इन दोनों को देखते हुए इन दोनों को मैच करके हम एनालाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये इसका तारुफ है। VSA जो है ठीक। ना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके बताता हूँ ना, बहुत जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए। अगर प्राइस, ये आप समझें कि एक रेजिस्टेंस है, और ये एक सपोर्ट है, अगर प्राइस ऐसे चलती हुई आ रही है और इस रेजिस्टेंस तक रीच कर रही है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रही है, और हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि वॉल्यूम किस तरह का आ रहा है, इस ऊपर जाती हुई प्राइस के अंदर वॉल्यूम किस तरह का आ रहा है। अगर तो ये वॉल्यूम इस तरह से आ रहा है, ठीक है, इस शक्ल में क्या नजर आ रहा है आपको, सेलिंग है, सेलिंग का प्रेशर है। नहीं, वॉल्यूम की जो बार्स होती है ना उनको कंपेयर करते हैं, एक ही बार को नहीं देखते, वॉल्यूम की मतलब एक ही बार, वॉल्यूम कम हो रहा है ना सर।
हाँ वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है, इस सिनेरियो जी में देखिए वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि हम क्या कहेंगे कि इस ऊपर जाती हुई प्राइस के अंदर, इस ऊपर जाती हुई प्राइस के अंदर ताकत नहीं है, वॉल्यूम कम आ रहा है, जी जी बिल्कुल इस ऊपर जाते हुए प्राइस के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि इस रेजिस्टेंस को तोड़ सके, ठीक है। ठीक है सर, जब जब इस ऊपर जाते हुए प्राइस के अंदर ताकत नहीं होगी कि इस रेजिस्टेंस को तोड़ सके, तो फिर क्या होगा? प्राइस नीचे आएगी एग्जैक्टली रिवर्सल ले, ठीक है, जी, ठीक है रिवर्सल ले। अब ये आप वीडियोस देखना, उसके अंदर मैंने डिटेल से बताया हुआ है, ये जो इस तरह का रिवर्सल होता है ना, इसमें दो तीन काम हो रहे होते हैं, ठीक है। अगर ये रिवर्सल हाई वॉल्यूम होता है, इस तरह से वॉल्यूम बढ़ रहा हो, ठीक है, इंक्रीज हो रहा हो वॉल्यूम, देन इसका जी मतलब है जी कि ये प्योर सेलिंग में आ चुकी है। मतलब इस बढ़ते हुए वॉल्यूम का मतलब क्या है कि नीचे आती हुई प्राइस के अंदर जोर मौजूद है, नीचे आती हुई प्राइस के अंदर जान मौजूद है, सही है। ठीक है अगर सर, नीचे जी जी आती हुई प्राइस में जान मौजूद है तो फिर वो ऊपर तो नहीं जाएगी ना, फिर जी जी तो वो नीचे ही आएगी, समथिंग समथिंग ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से सिर्फ बहुत बहुत ज्यादा शॉर्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत शॉर्ट करके, कि ऊपर जाती हुई प्राइस के अंदर अगर वॉल्यूम कम आ रहा है तो हम ये कंसीडर करते हैं कि रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ सकती, ठीक है। और अगर ऊपर जाती हुई प्राइस में वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है तो फिर हम ये कंसीडर करते हैं कि ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ सकती है, क्योंकि उसके अंदर ऊपर जाते हुए जान मौजूद है। लेट्स से ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, प्राइस ऐसे ऊपर जा रही है, इसको रीच कर रही है, ठीक है, ये तो क्लियर है ना, इसको रीच कर रही है का मतलब पता है ना कि वहां तक पहुंच रही है प्राइस, ठीक है, जी जी बिल्कुल और वॉल्यूम इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस बढ़ रही है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, हम इसको ये तस्वीर करेंगे कि ऊपर जाती हुई प्राइस के अंदर बहुत जान मौजूद है, जब ऊपर जाती हुई प्राइस जो है वो बहुत जोर के साथ ऊपर जाएगी तो इसका मतलब है कि वो रेजिस्टेंस को तोड़ सकती है, ठीक है, इस तरह से ब्रेक कर सकती है, प्राइस ऐसे चली जाएगी, ठीक 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 है सर, है। ये आप जब भी चार्ट को देखेंगे तो उसके अंदर आपने जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम आपने लगाया हुआ है, इंडिकेटर आपके पास है, जी बिल्कुल लगाया हुआ है, हमारे वाला तो हमारे पास है, वो इंडिकेटर भी और है। हाँ ये अब्दुल रऊफ भाई ने सेंड किया था वो टेम्पलेट, तो उसी अच्छा में ही ठीक है जी। है, तो आपने क्या करना है, हर जो चलती हुई प्राइस है उसके अंदर आपने वॉल्यूम्स को नोट करना है कि वॉल्यूम क्या आ रहा था, वॉल्यूम क्या आ रहा था। अब एक और सिनेरियो ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि वॉल्यूम अगर ज्यादा आ रहा है, ठीक है, इस तरह से इस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम अगर ज्यादा आ रहा है, प्राइस अगर ऊपर जा रही है और ये रेजिस्टेंस जो है
ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। प्राइस एक्शन के अंदर आप ये देखते हो कि इस रेजिस्टेंस को ये इतना वॉल्यूम ये भी नहीं तोड़ पा रहा, ज्यादा ताकत लगाई गई इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए, लेकिन ये काम नहीं हुआ, यानी कि वो रेजिस्टेंस टूटी नहीं है। सही है, तो इसका क्या मतलब है? सर, मतलब के बाइंग जो है वो कमजोर हो रही है। नहीं, इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस वॉल्यूम के साथ, इतने से वॉल्यूम के साथ प्राइस इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ सकी। हम इसको ऐसा ज्यूम करेंगे और उसके बाद क्या होगा कि प्राइस ऐसे नीचे आएगी, ठीक है, पुल बैक देगी, लो वॉल्यूम पुल बैक होगा ये, ठीक है, वॉल्यूम कम होता जाएगा, नीचे आती भी प्राइस में वॉल्यूम कम होता जाएगा, इसको कहते हैं लो वॉल्यूम पुल बैक। लो वॉल्यूम पुल बैक देगी और दोबारा से एक बड़ा, यानी कि ज्यादा जोर लगाया जाएगा, एकदम से ऐसे वॉल्यूम आएगा, ज्यादा वॉल्यूम आएगा, ठीक है, और फिर ये प्राइस इसको तोड़ देगा। इसको हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है सर ठीक है, बहुत जी। सारी सूरतें हाल होती है, बहुत सारी होती है, वो आप जैसे जैसे इसको देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा चार्ट में दिखाता हूँ। अच्छा, डेली का जो वॉल्यूम है वो इसमें MT4 पर ही देखते हैं, ठीक है। जी, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है। ये मैंने एक सपोर्ट लगाई हुई है, सपोर्ट, ठीक है, ये ब्लू ठीक है वाली सर। लाइन है, ठीक है। अब जी देखो जी प्राइस प्राइस रीच कर रही थी, देखो ये प्राइस में रीच किया है, ठीक है, जी बिल्कुल। वॉल्यूम देखो कम हो रहा है, हाँ हो रहा है कम हो रहा है ना, जी, बिल्कुल हो रहा है। और ये वाली जो सपोर्ट थी वो नहीं टूटी, और ये पहले से पहले हमें ये पता था कि इतने से वॉल्यूम के साथ, थोड़े से वॉल्यूम के साथ ये वाली सपोर्ट नहीं टूट सकती, ठीक है, और सेम एज इट इज ऐसा ही हुआ। प्राइस ने यहाँ पे रीच किया, अब जो वॉल्यूम को ट्रेड नहीं कर रहा ना, जो वॉल्यूम को नहीं देखता, वो क्या देखेगा कि प्राइस नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, वो ऐसा समझ रहा है कि प्राइस नीचे जा रही है और मैं इसको सेल करूँ, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम नीचे आती हुई प्राइस के अंदर बहुत कम हो चुका है। और हम ये पहले से बात जानते हैं कि अगर प्राइस नीचे आ रही है और उसमें वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब है कि उसमें इतनी जान नहीं है कि इस सपोर्ट को तोड़ सके। और इन सब चीज़ों को जब आप सोचोगे तो आपको पहले ये पता होगा कि जब सपोर्ट नहीं टूटेगी तो क्या होगा, कौन बताएगा क्या होगा? रिवर्सल होगा, रिवर्सल आएगा। रिवर्सल आएगा, ठीक है। जी अच्छा, अब देखो इत्तेफाक की बात है, ये चार्ट भी ऐसा खुल गया जिसके अंदर सारी की सारी एग्जांपल मौजूद है।
लो वॉल्यूम के साथ अप्रोच किया प्राइस ने यहाँ पे, ठीक है, और प्राइस इस एरिया को नहीं तोड़ सकी। अब देखो क्या हो रहा है, अब दोबारा से हाई वॉल्यूम के साथ भी देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, हाँ बिल्कुल। हाई वॉल्यूम से इसको तोड़ने की कोशिश की गई, इस लेवल को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन ये लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से इतने लेवल से आई मीन इतने वॉल्यूम से ये सपोर्ट ना टूट सकी। और उसके बाद भी क्या हुआ, आपको कंफर्म पिप्स मिल गए, ठीक है, लेकिन जी लेकिन चूंकि ये सारे का सारा सीन बियरिश चल रहा है, मार्केट का जो सेंटीमेंट था, मार्केट के जो ये बियरिश था, ठीक है, उसके बाद से दोबारा से अप्रोच होती है और यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें एक और चीज भी आपको बता दूं, वो ये चीज है कि दीवारें टूटती हुई देखी है कभी? जी देखिए, ये एक दीवार है फर्ज करो, ठीक है, और आपने पहला हथौड़ा चलाया तो ये पहले हथौड़े पे टूट जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं टूटेगी फिर, लेकिन ये टूटेगी तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी, ऐसा जी है, जी बिल्कुल, थोड़ा सा उस पे जरब जरूर लगेगी, थोड़ा सा उसको असर जरूर जी होगा, बिल्कुल है, ठीक है। अच्छा, दूसरे थोड़ा आपने दूसरा वार किया उसके ऊपर, ठीक है, अब दूसरे में भी अगर वो नहीं टूटती है, वो टूटी तो नहीं लेकिन इस पॉइंट से ज्यादा, इस पॉइंट पर और ज्यादा कमजोर हो गई, कमजोरी उसमें जरूर आती जाएगी, फिर जितने ज्यादा वार हथौड़े को लगते रहेंगे वो दीवार कमजोर होती जाएगी, यहाँ तक कि टूट जाएगी, समझे? जी जी बिल्कुल। अब देखो क्या होता है, लो वॉल्यूम के साथ अप्रोच हुई और नहीं तोड़ सकी, ठीक है, लो वॉल्यूम का मतलब जी। था, लो वॉल्यूम का मतलब था कि इसमें नीचे आते हुए जान थी, नहीं तो ऑब्वियसली ये तोड़ नहीं सकती थी, ठीक है, इसलिए ये हमें पहले ही पता था कि ऊपर जानी है। दोबारा से ट्राई की जाती है नीचे जाने की और पूरे जोर के साथ, ठीक है, लेकिन नहीं तोड़ पाई, लेकिन कमजोर हो गई इतनी ज्यादा, बहुत बहुत इतनी ज्यादा जोर लगाकर, जब वॉल्यूम का इतना ज्यादा जोर लगा तो जाहिर है ये एरिया कमजोर हो गया, ठीक है जी जी और कमजोर हुआ, प्राइस ने दोबारा से पुल बैक किया और उसके बाद थोड़े वॉल्यूम से इसको तोड़ के चली गई, ठीक है। ये इस तरह के सिनेरियोस आपको मार्केट में बहुत सारे जगह पे मिलते रहेंगे और इन चीज़ों से वास्ता रहेगा। अब ये भी देख लो, अच्छा इनका पता है ये जो बैंड्स हैं, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, वेरी नहीं हाई सर, वॉल्यूम? इनका नहीं पता, नहीं पता वॉल्यूम के 7 किस्म के बैंड होते हैं, ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये लाइन, ये जो लाइन नजर आ रही है, नजर आ रहा है जी बिल्कुल, ये जहां बार्स पर, जी हाँ बार्स, हाँ जी, ये बार जो है ये वॉल्यूम का साइज है, वॉल्यूम का साइज है कि कितना वॉल्यूम आया जी, मतलब इस एक कैंडल में कितनी ट्रांजैक्शंस हुई? हाँ, एक कैंडल में कितनी ट्रांजैक्शंस हुई, लेकिन हम इसको मजीद स्पेसिफाई करने के लिए, इसको मजीद गहराई में देखने के लिए इस ये इंडिकेटर लगाया हुआ है जिसके अंदर ये वाले आपको
नजर आ रहे हैं, ये लहरें जी बिल्कुल सही है ना, ये नजर आ रही है। फिर उसके बाद ये कलर, कलर नोट करें, कलर कलर चेंज नजर आ रहा है जी बिल्कुल आ रहा है। और उसके बाद एक ये कलर है, ये बहुत छोटा, अब वो उसके पीछे छुपा हुआ है, वो सही नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे नजर आ रहा है। आप अगर गौर से देखें तो एक कलर यहाँ पे भी डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। ये इनको क्या कहते हैं, ये क्या है एक्चुअली, इनको बैंड कहा जाता है, बैंड, वॉल्यूम बैंड्स, ठीक है। बैंड बैंड का मतलब है कि हम वॉल्यूम को 7 किस्म की टाइप्स के अंदर चेंज कर सकते हैं, या ये कह लो कि 7 तरीके से देख सकते हैं। एक बजे ही याद करवाना, आपको ये वाली फाइल भी भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, ये जो बार है इनकी क्लोजिंग्स होती हैं, ठीक है, साइड टाइप की क्लोजिंग होती है, और ये भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, ये भी याद करवाना। टाइम लगेगा, इसके अंदर ना एक और बैंड है जो मैं मिस कर रहा हूँ, शायद वो एवरेज के ऊपर का होता है ना, तो ये 7 किस्म के होते हैं ये, एक्चुअली एक मैं मिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये के नाम होता है, ये बैंड्स के नाम है एक्चुअली, ये बैंड्स होते हैं, और हम वॉल्यूम को देख रहे होते हैं बैंड्स के अंदर। अगर बार, ये देखो ये वाली बार इस कलर के अंदर आ चुकी है, तो इसको हम कहेंगे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ठीक है। ये वाली बार देखो, ये वाली बार इस कलर में, ठीक है, तो इस कलर में फॉल कर रही है, क्योंकि तो ये परफेक्ट है, नजर आ रही है, जी आ रही है सर। ये कलर कलर देख सकते हो ना, ये वाला जो है, जी जी ठीक है, बिल्कुल इसको कहते हैं वेरी हाई वॉल्यूम,
और इस कलर, तरह ये से। बार्स का कलर भी पिंक होना चाहिए तभी। नहीं, बार के कलर को भी छोड़ दो, अच्छा सर, बार के कलर को अभी छोड़ दो, ठीक है। सिर्फ बैंड के कलर को आपने देखना है कि बैंड का कलर क्या है, ठीक है। ठीक है ये है सर। अल्ट्रा अल्ट्रा हाई, ये है वेरी हाई, और ये देखो ये वाली जो बार है ये इस वाले बैंड में आ रही है, इसको कहते हैं हाई। ये एक ब्लैक कलर की लाइन नजर आ रही है इसके आपको, ये वाली जो जी चल रही जी है लाइन, इसे ये एवरेज है, ठीक है। इसे कहते हैं एवरेज वॉल्यूम। इसी तरीके से जो एवरेज पे कौन सी ये आ रही है, ये वाली बार, ठीक है, इसे एवरेज कहेंगे, और इसको कहेंगे बिलो एवरेज, इसको बिलो एवरेज, लो और वेरी लो, सही है, ठीक है सर समझ आ रही है। जी, जी आ रही है। समझे, ये नाम मैंने लिख दिए यहाँ पे, ये मैं आपको उसकी ना वो फाइल पड़ी हुई है मेरे पास, है वो बताना, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। इस तरह ठीक, से वॉल्यूम को ना हम देख रहे होते हैं कि वॉल्यूम किस टाइप का आ रहा है। अब ज्यादा तो आ रहा है, ज्यादा तो हमें नजर आ रहा है कि अब ये देखो इस बैंड को देखने का फायदा क्या होता है। ये वाला वॉल्यूम इन तमाम वॉल्यूम से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन हम इसको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं कहेंगे, ओके। ये वॉल्यूम जी तकरीबन इस वॉल्यूम के बराबर है, ठीक है, लेकिन ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बैंड के अंदर फॉल कर रहा है, तो इसका मतलब है हम इसको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ही कहेंगे, ठीक है। जी जी ठीक है। ये वजह होती है कि हम बैंड्स को क्यों इस्तेमाल करते हैं। इस इंडिकेटर के अलावा जो इंडिकेटर अवेलेबल है उनके अंदर ये वाले जो बैंड हैं ये नहीं होते, ठीक है। इसकी वजह जी से वो लोग इनको स्पेसिफिक नहीं कर सकते, स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि अल्ट्रा हाई कौन सा है, हाई कौन सा है। वैसे तो देख सकते हैं कि ज्यादा और कम बार के साइज के हिसाब से, ठीक है, लेकिन अगर ये बैंड्स अगर आपके पास ना होते तो इस वाले को और इस वाले को देखो और मुझे बताओ इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कौन सा है। अगर ये बैंड आपके पास ना होते तो सर, मुश्किल था फिर पहचानना। मुश्किल नहीं था, बता ही नहीं सकते थे। जी, मुश्किल तो ये उस वक्त होता है ना कि जब थोड़ा बहुत इम्कान रहता है। अगर ये बैंड हमारे पास ना हो ना तो हम ये बता ही नहीं सकते, कोई इम्कान ही नहीं है कि इन दोनों वॉल्यूम्स में से, इसमें से और इसमें से अल्ट्रा हाई कौन सा है, हम बता ही नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, ये आपको मैंने बता दिया वॉल्यूम्स का, कि वॉल्यूम को आपने किस तरह से देखना है। अच्छा, एक और चीज़ ये भी देख लें, वॉइस वेव ये मिला है आपको, जी, ये भी है मेरे पास। इसके अंदर ना डिमांड और सप्लाई देख रहे होते हैं।
अच्छा ये वाली जो बार्स है ना, इनको आप ब्लू तस्वर कर लो, इनको आप ब्लू तस्वर कर लो, ठीक है। जी ये हमें क्या बता रही है कि सप्लाई ज्यादा है, सॉरी सॉरी सॉरी, डिमांड ज्यादा है, ठीक है। जी जी अगर ये रेड इस तरह से आती है तो इसका मतलब है ये वाली पावर हमको ये बता रही है कि सप्लाई कम है, ठीक है, सप्लाई कम है। और अगर दोबारा से इस तरह से बाहर आना शुरू हो जाती है ब्लू वाली, देन अगेन डिमांड ज्यादा है, ठीक है। तो अगर यही वाला पैटर्न इस तरह से रिपीट होता रहे तो हम ओवरऑल जो पिक्चर चल रही है, ओवरऑल जो पिक्चर चल रही है उसमें डिमांड और सप्लाई का जो कंपैरिजन है वो हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये देखो सप्लाई है, सप्लाई आ रही थी, जी आ रही। यहाँ पे देखो इस पे सप्लाई है, बताओ है ये, मतलब जी नजर आ सर, रहा है ना। जी जी बिल्कुल। अच्छा इसके बाद यहां से लेके यहां तक देखो ये तीन बार्स डिमांड कम है, डिमांड बहुत कम हो चुकी है, सही है। जी। उसके बाद फिर से हमें ये बता रहा है डिमांड कम हो चुकी है, उसके बाद फिर से हमें ये बता रहा है कि डिमांड कम हो चुकी है बट प्राइस रेंज कर रही है। तो इस तरह की जो इंडिकेशंस आ रही होती है ना, इस तरह की इंडिकेशंस के हम अंदर हम पहले से पहले ये देख सकते हैं कि प्राइस जो है अगर हम इस तरह से मॉनिटर करें तो ये ऊपर जा रही है इस तरह, सही है। अगर हम इस तरह से मॉनिटर करें तो हमें प्राइस ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, ऐसा ही है। जी बिल्कुल। लेकिन लेकिन डिमांड कम हो रही है। बहुत कम आ रही है, सप्लाई क्या थी, ज्यादा थी। ज्यादा थी। यानी कि अब केस केस बनाओ, केस बनाओ, इतनी सी बार्स के अंदर इतनी ज्यादा सप्लाई मौजूद थी और इतनी बड़ी रेंज बनी और प्राइस ऊपर भी गई है, लेकिन ऊपर जाती भी प्राइस के अंदर डिमांड नजर नहीं आ रही, ठीक है, डिमांड जी नजर नहीं आ रही, देन उसका नतीजा कि प्राइस डाउन। ठीक है, अब देखो जी इस वाली पावर में सप्लाई ज्यादा आई है यहाँ पर, ठीक है, जी यहाँ पर सप्लाई कम हो गई थी, इस वाली पावर से ये सप्लाई कम हो गई थी। अंडरस्टूड, मैं जो कह रहा हूँ जी सही जी समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल आ रहा है सर। इस बार से अगली बार्स के अंदर सप्लाई कम हो गई थी तो इसका मतलब है कि हम प्राइस को ज्यादा नीचे जाता हुआ नहीं देख सकते, हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि प्राइस बहुत ज्यादा नीचे जाएगी, जी ठीक है। और ठीक है जी। अगेन अगेन VSA का वॉल्यूम और वॉइस वेव दोनों ने यहाँ पे टच किया और इस तरह से केस केस बनाया जाता है, ठीक है, केस स्टडी की जाती है।
अब देखो ये प्राइस नीचे आई, ये भी प्राइस नीचे आई, ठीक है, लेकिन जी यहाँ पे सप्लाई ज्यादा नजर आ रही है, आगे सप्लाई कम हो गई, यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है। तो नहीं जी, मैंने कल बिल्कुल कल आपको ये बताया था कि मार्केट में एक ना एक फोर्स कायम रहती है, जी बिल्कुल अगर सप्लाई नहीं है तो क्या होगा? डिमांड डिमांड होगी। होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि इस रेंज के अंदर हम ये देख रहे हैं कि सप्लाई बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, ठीक है, सप्लाई बिल्कुल है ही नहीं है। जब सप्लाई है ही नहीं है तो क्या होगा? डिमांड होगी, ठीक है, और इसका मतलब है कि आगे चलकर कहीं पे हमें डिमांड मिलने वाली है, ठीक अभी जो करंट मार्केट भी चल रही है सर, तो ये एक बार्स में डिमांड ज़्यादा आ रही है और फिर कम हो रही है। है। हाँ, अब ये देखो ना कि डिमांड इससे कम है, इससे कम जी है, बिल्कुल और वॉल्यूम हाँ देखो, जी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, अल्ट्रा अल्ट्रा हाई जी जी हाई वॉल्यूम जो है इस बार पे आया हुआ है, इस बार पे, इस तरह से बार को मिला के देखते हैं और इसका स्प्रेड भी देखते हैं। अब देखो वॉल्यूम कितना अल्ट्रा हाई आया, सही है, लेकिन बार का स्प्रेड नहीं खुला, बार का स्प्रेड नहीं खुला, इसका क्या मतलब है कि बार का साइज छोटा था, इस तरह जी छोटे साइज की बार थी, ये एक छोटे साइज की बार है और ये एक बड़े साइज की बार है, ठीक है। जी सर तो हाँ, इसका क्या मतलब है, इस तरह का वॉल्यूम और इतना साइज, इसका मतलब है कि मार्केट को ऊपर जाने से रोका जा रहा है, मजीद जितना तो ये आ गई, आ गई, जितना ये मार्केट ऊपर आना था ना, आ गई, ठीक है। और जी अब इसको इंटेंशनली जोर लगाकर इसको मजीद ऊपर जाने से रोका जा रहा है। अगली बार, अच्छा यहाँ पर रोका गया, ठीक है, और अगली बार पे क्या हुआ? H1 है ना, H1 का टाइम फ्रेम है, ठीक जी है, अगले 1 घंटे के अंदर पॉसिबल है कि कुछ प्रॉफिट टेकिंग हुई हो, और वॉल्यूम देखो अल्ट्रा हाई तो आया, यहाँ पर देखो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम तो आया है लेकिन इस वाले वॉल्यूम से थोड़ा कम है, जी पिछले वॉल्यूम से कम है लेकिन फिर भी अल्ट्रा हाई है। इसका मतलब है कि जिस ग्रुप ने यहाँ पर नीचे गिराने की कोशिश की, अगले जो 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 मल्टीपल ग्रुप्स काम कर रहे होते हैं ना, तो अगला ग्रुप जो था उसने मार्केट को ऊपर तो लेकर गया, वो ऊपर तो लेके जा रहा है, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम कम हो गया, एक ये भी इंडिकेशन है रिवर्सल की, ठीक है। ठीक है सर इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद वॉल्यूम और कम हो जाता है, ठीक है, वॉल्यूम और कम हो जाता है, लेकिन स्प्रेड देखो, स्प्रेड बढ़ गया, ये हाई और ये लो, देखो बढ़ गया, स्प्रेड बड़ा हुआ ना, बिल्कुल जी, बड़ा इस हुआ तरह, हाँ इस तरह का स्प्रेड आ रहा है, ठीक है, हाँ जी और थोड़े वॉल्यूम पे, इसका मतलब है कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि जोर तो थोड़ा सा था और स्प्रेड ज्यादा खुल गया, स्प्रेड ज्यादा फैल गया, बार का साइज ज्यादा फैल गया, इसका मतलब है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ कुछ ट्रैप हो रहा है, इनकी ट्रैप मूव है।
ठीक है। और जी। अगली बार डाउन क्लोज हो जाती है, ठीक है। अब प्राइस एक्शन पे जो ट्रेड कर रहा है वो कभी भी इसको सेल नहीं करेगा, कभी भी इसको सेल नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन हम वॉल्यूम की एक्टिविटी को और डिमांड और सप्लाई की एक्टिविटी को देखते हुए हम इसको बाय या सेल करेंगे, ठीक है। जी। कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी? जी सर, बिल्कुल, बहुत। और कोई सवाल? अच्छा सर, हम ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह तलाश कर सकते हैं? वो तो मार्केट प्रोफाइल वाला तो पीएसयू, वो तो ठीक है सर, उसके अलावा अगर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस तलाश करनी हो तो? उसके अलावा हम ऐसे करेंगे, उसके अलावा हम ये देखेंगे, आपने रिकॉर्डिंग के अंदर देखा है, क्या देखा है, गैप आर की जो टेक्निक बताई मैं आपको, रिकॉर्डिंग में देखी है, आपने सुनी है? सर रिकॉर्डिंग में थी, लेकिन मेरे ख्याल से वो इतनी ज़्यादा समझ नहीं आई मुझे। वो कम कम बताई हुई थी, आपने कहा था कि वो साजिद गौरी सर ने बताया था, तो इसी वजह से ज़्यादा नहीं बताई आपने। अगर इस वाली बार को यहाँ से हटा दिया जाए, इस वाली बार को यहाँ से हटा दिया जाए, तो ये एक गैप नजर आ रहा है, हाँ जी, बिल्कुल। मतलब ये कि बार एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर एक हमें गैप नजर आ रहा है, अगर हम इस वाली बार को यहाँ से हटा दें तो ऐसा है। जी बिल्कुल। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो मैंने सीन बना के दिखाया आपको, आपने इस तरह की एक्टिविटी तलाश करनी है चार्ट में, ठीक है। इस ठीक। तरह की एक्टिविटी कहाँ कहाँ पर है, इस तरह की एक्टिविटी, एक तो ये एक ये एक ये ये भी है, लेकिन ये इतनी इतनी ज्यादा नहीं है, जैसे ये फासला ज्यादा है, ये फासला ज्यादा है, ये फासला, ये फासला, ये फासला, ये फासला ज्यादा है, तो इसके बीच में है, जरूर है, लेकिन ये इतनी ज्यादा वो नहीं है, ठीक है, इसका फासला कम है, बट हम फिर भी इसको कह सकते हैं। अच्छा, एक ये, बल्कि ये दोनों है, एक ये बार और एक ये वाली बार, इसके अंदर ये वाली बार थी, 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 अच्छा, इसके सर ये अंदर इस तरह है ना कि जिस कैंडल की गैप बार बन रही है उसकी पिछली कैंडल का लो देखेंगे और उसकी अगली कैंडल का हाई देखेंगे, इस तरह से? हाँ, मैं बताता हूँ आपको, अभी मैं आपके सामने ये फाइंड आउट कर रहा हूँ ना, एक ये एक्टिविटी है, ठीक है, इसके अंदर ये वाली बार है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद कोई भी नहीं है, सिंपल सी बात है, तीन बार देखी ऐसी बार, अब इसका लो, इसका हाई, इसके इन दोनों पे ऐसे लाइन लगाओ,
इसका लो, इसका हाई, इसके बीच में इस वाली बार को निकाल दो। ठीक है, इस वाली बार को निकाल दिया तो ये गैप नजर आ रहा है। जी सर, बिल्कुल समझ आ गई सर अभी। अब देखो, इस वाली बार का लो, इस वाली बार का हाई, ये हाई जी, और ये लो, इसमें से, इन दोनों में से ये वाली बार को निकाल दिया तो ये गैप नजर आ रहा बिल्कुल। है। ये इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो कुलिया है, वो ये है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वीकली पे जाना है, वीकली पे, ठीक है सर। वीकली पे जाके इस तरह की एक्टिविटीज देख लेनी है जो मैंने अभी आपके सामने मार्क की है। ठीक जी, है, उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले ये एक्टिविटी थी। ठीक है, अब यहां से लेकर इसकी बात, यहां पे देखना है आपने, आपने यहां पे देखना है। ठीक है, माउस हिलता नजर आ रहा है। यार अब यहां से लेकर और यहां तक मतलब ये इस पूरी एक, गैप जो थी इसको देखना है ना, इसको कवर करना। सुन ले, यहां से लेकर यहां तक ये जो एरिया बनता है ना, इस जी, एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर कोई एक या एक से ज्यादा ऐसी जगह मौजूद है जहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस मौजूद है। हम क्या करेंगे, उस एरिया को, पहले हमने गैप गैप को फाइंड कर लिया। ठीक है, अब दूसरा फेज क्या है कि हमने उस चीज, उस लाइन को तलाश करना है। अंडरस्टूड, जी, हमने उस जगह को तलाश करना है। देखो, ये पूरे का पूरा जो गैप है ना, ये पूरे का पूरा गैप, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, नहीं हो सकता। सही है, इस पूरे एरिया के अंदर एक या दो या तीन या चार या पांच ऐसी जगह हो सकती है जहां पर ज्यादा वेरी स्ट्रॉन्ग या सपोर्ट लेवल मौजूद हो। ठीक है, तो हमने अब वो तलाश करना है। अब वो कैसे तलाश करेंगे, हम अगले प्राइस सेक्शन को देखेंगे, अगले प्राइस सेक्शन को। अब मैंने मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, और यहाँ पर आ गया, ये मैंने लाइन लगा दी। अब पूछो कि ये लाइन क्यों लगाई। सर इसलिए कि सर ये आगे प्राइस एक्शन मतलब इससे सपोर्ट प्राइस नीचे गई या फिर ऊपर गई है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहलाई जाएगी। हाँ, एक मैंने इस पॉइंट को देखा, एक मैंने इस पॉइंट को देखा, एक मैंने इस पॉइंट को जी देखा। ठीक है, एक मैंने इस पॉइंट को देखा। ठीक है, ये सीन है। अच्छा, अब ये देखो कि दूसरी बार, एक बार जब प्राइस यहाँ से नीचे गई थी तो दूसरी बार जब प्राइस ने वहां तक रीच किया तो उसको तोड़ नहीं सकी है। ठीक है, लेकिन जी वापस गई, उसके बाद जब क्रॉस किया तो फिर गैप बार बना के क्रॉस किया हुआ है। फिर क्या, गैप बार बना के क्रॉस किया हुआ है, और ये हमारे पास दूसरा सबूत है। दूसरा सबूत है कि यहाँ पर वाकई में कोई ना कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पड़ी हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस लाइन को ये सब चीजें देखते हुए लगा देंगे। इस तरह से सबसे पहले आपने वीकली, ठीक है, उसके बाद आप डेली में आ जाओ। सही है, इस वाली लाइन को ठीक। आप प्रॉपर्टीज,
यहाँ पर आप वीकली लिख दो। ये देखो ये लिखा आ गया। जी। अब आप क्या करोगे, अब डेली टाइम फ्रेम में आ जाओगे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में अब आप मुझे बताओ कि गैप कैसे हम फाइंड करेंगे, कहाँ कहाँ पे आ रहा है मुझे बताओ। सर ये लेफ्ट साइड पे जरा देखें, मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल करके फिर जो नीचे आई है यहां से इधर स्टार्ट सर। करो। इधर यहां से कहाँ से सर? ऐसे स्टार्ट करते जाओ। यहां से स्टार्ट करो, ऐसे देखता हुआ जाओ, कहां कहां मिल रही है वो मुझे बताते जाओ। सर ये एक यही ब्लैक वाली लाइन के इधर ये वाला एरिया, जी सर, बिल्कुल। हाँ जी यही। ठीक है। अगला, आगे सर ये आगे ठीक दूसरा थोड़ा, ये बड़ी सी रेड कैंडल जो बनी है सर ये भी है। हाँ जी यही, ये ऊपर थोड़ी सी ऊपर। हाँ जी, इससे थोड़ा आगे भी है सर। हाँ ये वाली, लेकिन इसमें गैप थोड़ा कम आ रहा है। ये अभी जो लगाई मैंने, हाँ जी यही। इसकी बात कर रहे हो? इसमें नहीं गैप नहीं कम ये नहीं, इससे बहुत पिछली ज्यादा जो है। आपने लगाई। हाँ, उसमें थोड़ा सा कम है। इसके पीछे ये है, ये भी है, ये भी है। इस तरह से आपने डेली का टाइम फ्रेम ओपन करना है और उसके अंदर से इस तरह से गैप तलाश करने हैं। ठीक है, अब ये देखो कि हमने ये वाली लाइन पहले की लगाई हुई है। ये वाली लाइन पहले लगाई थी ना हमने, जी जी बिल्कुल लगाइए। डेली में हाँ तो हम बाद में आए थे, डेली टाइम फ्रेम में हम बाद में आए थे। ठीक है, जी, तो ये देखो, ये देखो प्राइस यहाँ पे स्टॉप हुई। ठीक है, यहाँ पे इसने रेस्पेक्ट दिया, एसएल हंटिंग की है, फिर ऊपर गई है। इसके गिर्द ही प्राइस घूम रही है, इसके गिर्द ही घूम रही है। ठीक है, फिर उसके बाद ये एक गैप बार बना के इस एरिया को ब्रेक किया हुआ है और ये इसको सपोर्ट मिली हुई है डेली की। अच्छा, इस तरह से अब डेली के हमने गैप कौन कौन से फार्म किए थे। अब आप डेली भी लगा लें, अब इसके अच्छा सर, दूसरा ये कि ये वाले लेवल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं या मार्केट प्रोफाइल के? मैं आपको वीएसए के हिसाब से बता रहा हूँ। ये लेवल वीएसए के हिसाब से बता रहा हूँ, वो लेवल जो है वो वॉल्यूम के हिसाब से है कि वॉल्यूम दिन में कितना ट्रेड हुआ है और कितनी मतलब रेस्पेक्ट हुई है, रिजेक्शन कहाँ कहाँ से हो सकती है। दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है, दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है सर। ठीक है, दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अच्छा, एक लाइन हमने ये लगा ली, ये वाली ब्लैक लाइन, इसको यहाँ से मिली रेस्पेक्ट, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। ठीक जी है, और इसको हमने नोट कर लिया कि ये डेली की सपोर्ट है और इसको अपने नोट किया था कि ये वीकली की सपोर्ट है। तो अब आप क्या करें, H4 में आ जाएं। ऐसा हो गया, हमारे सारे अकाउंट देखे तो इन सब
इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो आप। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं डेली और वीकली का, और आपने कैसे लगाना है वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से लगाना है। अब सीन ये है कि ये चार्ट अगर अगर नीचे आता है और यहाँ पर ठीक है और वॉल्यूम यहाँ पर कम होता गया, देन ये प्राइस ऐसे जाएगी जरूर, ठीक है। इस तरह से देख रहे होते हैं जी। क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये देखो डिमांड कितनी ज्यादा है, ये देखो डिमांड काफी ज्यादा है, सप्लाई कम और कम और कम तकरीबन थोड़ी सी, और उसके बाद फिर से ये डिमांड हिट हुई है ज्यादा। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी ज्यादा डिमांड हिट होने वाली है, प्रेशर प्रेशर देखें किस चीज का, डिमांड का ज्यादा है, ठीक है। ये सी इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल निकाल सकते हैं, ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, और कुछ नहीं है बस। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा हजम करें, और उसके बाद हम सेशन दोबारा भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। मतलब सीखने सिखाने के लिए मैं हर वक्त रेडी हूँ, मुझे कोई इशू नहीं रहता, मैं बोर भी नहीं होता इस काम में, इसलिए आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप 50 बार भी पूछेंगे, 50 बार आपको समझाऊंगा, ठीक है। आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, ठीक है जी। और अपना नईम भाई? जी जी सर, हाँ ठीक है, अंडरस्टूड है। खैर आप तो बीएससी कर चुके हो, आपको तो पता। जी जी सर, हाँ बट ये है कि रिफ्रेश रिफ्रेश हो जाना बेहतर है, चीजें दोबारा से रिफ्रेश हो जाती है, माइंड में आ जाती है, ठीक है। जी जी सर, बेहतर होगा, शुक्रिया सर, अच्छी बात है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।